दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं है, या फिर आपका पहले से ही कोई बिजनेस है, आप उसे बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं है, या फिर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हो उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ना सरकार एक स्कीम चला रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत दोस्तों हर एक नागरिक जिसे पैसों की सख्त जरूरत है वो यहाँ से लोन ले सकता है। यहाँ पे दोस्तों 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन मिलता है। इस मुद्रा योजना में ना दोस्तों आपको एक कार्ड भी दिया जाता है जो कि एटीएम कार्ड की तरह होता है। अब इससे आप जब चाहें जितने भी आपको लिमिट मिलेगी उतनी लिमिट के हिसाब से आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। तो ये लोन के लिए कैसे आप अप्लाई करोगे, यानी कि ये जो प्रधानमंत्री ई मुद्रा योजना है इसके लिए कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसे आपको लोन मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसेस होने वाला है, सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। इस वीडियो में गाइस मैं आपको A to Z चीजें बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री ई मुद्रा योजना के बारे में। तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। दोस्तों, प्रधानमंत्री ई मुद्रा योजना के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा जिसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी गई है, साथ में दोस्तों एक पोर्टल का यहाँ पे लिंक दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपली दोस्तों आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इस वाली पेज पे। अब इसे आपको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जिसमें दोस्तों आपको मुद्रा लोन भी दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आप एक नए पेज पे आओगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले न्यू एंटरप्रेन्योर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जिसे आपको यहाँ पे डाल के फटाफट इसे वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई करोगे सक्सेसफुली आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। अब ओके गॉट इट के ऊपर क्लिक करके आपको अपना जो प्रोफाइल है ना उसे कंप्लीट करना है। प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चूज कर लेना है, जैसे कि हम जनरल है सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में आप रहते हो तो यहाँ पे हम अपना महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपको अपना यानी कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, तो यहां पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पे आपको टाउन सिटी का नाम डाल देना है, उसके बाद यहां पे आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है, और यहां पे आपका घर खुद का है रेंटेड है जो भी है वो आप यहां पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पे आपका मोबाइल नंबर भी आ जाता है। अब नीचे दोस्तों आपको अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है, तो यहां पे हम अपना क्वालिफिकेशन डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहां पे जॉब एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है, कितने ईयर का आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है वो यहां पे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको यहां पे प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालना है कि आप एम्प्लॉयड हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो, वो आप यहां पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहां पे कितने टाइम से आप एम्प्लॉयड हो वो आपको यहां पे डालना है, इन मंथ में आपको यहां पे डाल देना है। उसके बाद यहां पे प्रेजेंट ग्रॉस एनुअल इनकम आपको यहां पे डाल देनी है। उसके बाद यहां पे दोस्तों आपको अपने बिजनेस का सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है या फिर नहीं है वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, तो हम नो के ऊपर सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये सब होने के बाद दोस्तों जो स्टार है ना सिर्फ वही आपको फिलअप करना है, बाकी सभी कॉलम को ना ऐसे ही छोड़ देना है। एंड नीचे आओगे दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर कोई लोन तो नहीं चल रहा है, जैसे कि हाउस या फिर व्हीकल लोन, तो आप यहां से यस या फिर नो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे हमने नो कर दिया है, अब बस आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे दोस्तों आप यहां पे लॉगिन हो जाओगे, यहां पे आप देख सकते हो। तो आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पे आ जाओगे। अब आपको करना क्या है, लोन एप्लीकेशन सेंटर में जाना है, यहां पे आप देख लीजिए। अब इसके ऊपर आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अप्लाई नाउ करते हो आपके सामने एक नया पेज आता है। यहां पे दोस्तों आपको लोन की कैटेगरी बताई जाती है जिसमें दोस्तों शिशु है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो मुद्रा शिशु, जिसमें दोस्तों आप 50,000 तक का ही लोन ले सकते हो। यहां पे अलग अलग कैटेगरी है। उसके बाद नीचे आओगे तो मुद्रा किशोर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप 50,000 से लेके 5 लाख तक का जो है लोन ले सकते हो।
उसके बाद नीचे दोस्तों मुद्रा तरुण है, जिसमें आप 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हम 50,000 का लोन लेना चाहते हैं, तो हम दोस्तों पहले वाले ऑप्शन के ऊपर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एप्लीकेशन का पूरा डिटेल आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना आपको ऑप्शन आता है कि आप 50,000 के अंदर कितने का लोन लेना चाहते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 या फिर पूरे 50,000, जितना भी चाहिए ना दोस्तों। ये जो एरो है इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हमें पूरा चाहिए तो इसे फुल कर देना है, ठीक है। अगर आप चाहे ना तो अमाउंट को टाइप करके भी यहाँ पे लिख सकते हो। एंड अगर आप स्कीम को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कीम को चेंज करने का भी ऑप्शन है। और नीचे दोस्तों आपको 4 अलग-अलग ऑप्शन दिया गया है जिसे आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल में आना है, यहाँ पे आपका नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, अपने पिताजी का नाम डालना है। यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम ले लिए। नीचे कॉन्स्टिट्यूशन आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए कि आप पार्टनर में बिजनेस कर रहे हो या फिर आपका खुद का है। यहाँ पे आप अपने शॉप का नाम डाल सकते हो, नहीं तो आप इसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस स्टेट में रहते हो। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए सभी डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है जहाँ पे भी आप रहते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस अवेलेबल फॉर बिजनेस, खुद का है या फिर आप रेंटेड हो, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि जहाँ काम करते हो वो खुद का घर है या फिर बिजनेस का है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस डाल देना है। अगर दोस्तों आपका जो बिजनेस है और जो परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एड्रेस आ जाएगा, नहीं तो अनटिक करके आप यहाँ पे मैनुअली भी फिलअप कर सकते हो। सब कुछ दोस्तों होने के बाद ना बस आपको नीचे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप अदर इंफॉर्मेशन में आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी ऑक्यूपेशन डिटेल के साथ साथ बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ मांगा जाता है, जिसमें दोस्तों आपका लोन वगैरह आएगा तो आप यहाँ पे वो सब फिलअप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये होने के बाद आपको नीचे आना है, प्रीफर्ड लेंडर के ऊपर क्लिक करना है। एंड अगर आप अपना बैंक चूज करना चाहते हो जिसे लोन लेना है तो यस के ऊपर आप क्लिक करो। यहाँ से आपको बैंक क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सभी बैंक के नेम दिखाई देंगे, तो जो भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हो उस बैंक को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम ICICI बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बस आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही दोस्तों आप आ जाओगे अटैच डॉक्यूमेंट में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। ID प्रूफ में दोस्तों आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, काफी सारे ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, जिसकी मैक्सिमम साइज दोस्तों जो साइज है वो 250 KB की होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा की यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फिर एड्रेस प्रूफ में भी दोस्तों आप चाहें तो आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट, राशन कार्ड जो भी है वो आप यहाँ पे दे दीजिए। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड ही देंगे, उसे यहाँ से दोस्तों आपको अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी एक फोटो अपलोड करनी है, जिसके नाम पे भी ये लोन है उसकी यहाँ पे आपको एक फोटो अपलोड करनी है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट बस आपको देने हैं। एंड बाकी के सभी दोस्तों आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिसपे स्टार नहीं बना है उसे आपको नहीं देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये सभी करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आप डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन में आओगे, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ से आइए एग्री के ऊपर क्लिक करना है। बस आपको सबमिट माय डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इस प्रकार का आएगा। यहाँ पे आपको लोन अमाउंट दिखाई देगा, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये सभी आप रख लीजिए। एंड लोन को अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो होम पेज पे आके यहाँ पे आप आओगे सबमिटेड एप्लीकेशन के ऊपर, तो बड़े इजी तरीके से आप अपने लोन को ट्रैक कर सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आसानी से घर बैठे लोन ले सकते हो, आपको बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।